मुझे क्या पता आप कौन हैं, कैसे इंसान हैं। आप दोस्ती का मौका तो दें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना लविंग इंसान हूँ। अब आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो फिर देख लेते हैं दोस्ती करके। लेकिन बेटा वो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, क्या वो तुम्हारे हालात नहीं जानते हैं? नहीं, आज के जमाने में लोग बहुत खुदगर्ज हैं, फ्रेंड्स भी एक दफा खिलाते हैं। हाँ, तुम ऐसी चीजें याद कर लेती हैं, सिर्फ ऊपर आना और लोगों के साथ गप्पे लगाना याद रहता है। जाओ अहमद बेटा, बहन को यूं इंतजार कराना ठीक नहीं। वैसे ये बात आप पहले भी कह सकती थी। नहीं, मेरी आंखें जो देख रही हैं वो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी तरह हर माँ अपने बच्चे पर भरोसा करती है। ये लो, ये तुम पहन लेना। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि आयमा मुझे अपनी शर्ट नहीं देगी। क्यों, क्या हुआ? वो चाहती ही नहीं है कि मैं कोई अच्छे कपड़े पहनूं। वो इन्हीं पुराने कपड़ों के मुझे काबिल समझती है। मुझे समझ नहीं आता उसे जलीसी है किस बात की। हेलो, लो तुम खुद अफशीन को बताओ, तुम्हारी दोस्त आयजा का फोन है, तुम्हारे रिजल्ट का बता रही है, बात करो। हेलो, हाँ आयजा, तुमने खुद नेट पे देखा है? हाँ हाँ, मुझे इतने ही मार्क्स की तवक्का थी, कॉलेज में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अम्मी, देखा आपने, कॉलेज में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ जाके अपनी दादी को भी ये खुशी की खबर सुनाओ। मैं अभी बता के आती। तुमने कहा था तुम्हारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, कहाँ है वो नंबर? पापा, पेपर्स तो अच्छे दिए थे, अब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा दिल लगाकर पढ़े उसके अच्छे मार्क्स ना आए। पूरा दिन इंटरनेट और फेसबुक पे जो बैठे रहते हो, यही नतीजा है उसका। सिर्फ मेरे नहीं, सारी क्लास के अच्छे नंबर नहीं आए। वो सब तुम्हारी तरह नालायक ही होंगे। चाचा, मेरे कॉलेज में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए और हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड। अरे वाह। हाँ, मैंने तुम्हारा नेट पे रिजल्ट देखा था, बहुत मुबारक हो। ये लो, मेरी तरफ से प्रेजेंट तुम्हारे लिए, इतने अच्छे नंबरों के लिए। थैंक यू। दादी कहाँ है? अपने कमरे में। देखा तुमने, पढ़ने वाले बच्चों के हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अफशीन के तो हमेशा से अच्छे नंबर आए। क्या बदतमीजी है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीजी सिखाई? जवान लड़कियां इस तरह उछलती कूदती नहीं है। सो सॉरी दादी, इतनी खुशी थी कि पता ही नहीं चला। किस बात की खुशी? मेरे एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। चलो अच्छा हुआ, आज से तुम्हारी पढ़ाई खत्म। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं पढ़ाई क्यों खत्म करूंगी? मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आए कि मैं आराम से डॉक्टर बन सकती हूँ। काश तुम भी एक दिन कोई बड़ा काम कर दो। पापा, पास तो हो गया हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बोलते हुए। कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तुम्हारे नंबरों के साथ? नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे एक डॉक्टर ना बनने से हॉस्पिटल थोड़ी बंद हो जाएंगे। सी फजूल बातें कर रहे हो, अहमद जाओ अपने कमरे में। तो तुम डॉक्टर बनोगे? जी, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बड़ी ख्वाहिशें करने वाली? मैं क्या ख्वाहिश नहीं कर सकती? ख्वाहिश करने से पहले अपने आप को भी देखना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं दादी? जो सच है वही कह रही हूँ। क्या मतलब? जाओ जाकर अपनी माँ से पूछो, उसने पढ़ लिख कर जो गुल खिलाया वही तुम करना चाहती हो। आप अम्मी के बारे में हर वक्त ऐसी तंजिया बातें क्यों करती हो? उन्होंने आपके बारे में तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कह भी क्या सकती है, सारा कुछ उसका किया धरा है। अम्मी ने ऐसा किया क्या है? जाओ जाकर उससे पूछो। मेरा बाप आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। तुम्हारी पढ़ाई बंद करे और घर में बिठाए।
अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी बेटी ने इम्तिहान में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। अच्छा ठीक है, आप घर टाइम पर आ जाइएगा। क्या हुआ, दादी को खुशखबरी सुनाई? हाँ। उन्होंने क्या कहा? खुश हो गई होंगी वो भी। पढ़ाई खत्म करने का कह रही थी। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अम्मी आपने ऐसा क्या किया है? दादी हर बात आपसे रिलेट क्यों करती है? आप मुझे बताती क्यों नहीं है? तुम उनकी ऐसी बातों तरफ तवज्जो नहीं दिया करो। ऐसे कैसे तवज्जो ना दूं? जिस अंदाज से वो कहती है, मैं बहुत हर्ट होती हूँ। वो आपको अच्छा क्यों नहीं समझती? ऐसा क्या है अम्मी, बताएं मुझे। तुम्हारी नानो को फोन कर रही थी खुशखबरी बताने के लिए और उनका फोन आ गया। दो उनसे बात करो। अस्सलाम वालेकुम नानो। आबिद प्लीज जल्दी चलाएं, समीना कब से हमारा इंतजार कर रही है, बुरा लगता है। आप इतने चुप क्यों हैं? अभी तक हिम्मत की वजह से परेशान है। अभी तो और उस लड़के की वजह से इतना परेशान हूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं उसके साथ, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। एक अच्छे सेंटर पे ट्यूशन लगा के दी, लेकिन नंबर कैसे आए उसके? मैं बोला था मैंने उसके ऊपर नजर रखा था। मैंने उसे कितनी बार समझाया, वो मेरी नहीं सुनता तो मैं क्या करूं? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है फौजिया। अफशीन को देखो, क्या है उसके पास? आबरू जैसी भी औरत है, उसने एटलीस्ट अपने बच्चों की तालीम पे फोकस किया। प्लीज, मेरे बच्चे इतने वेल ग्रूम्ड हैं, अफशीन कभी उनके बराबर नहीं आ सकते। मैं ग्रूमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। देख लेना, हाइमा के भी पूरे नंबर ही आएंगे। आप अफशीन के इतनी फेवर में क्यों? ऐसे उसको इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? अच्छे मार्क्स लिए थे उसने, खुश हो गया था मैं उसके लिए। वो पैसे देके आपने अहमद की इंसल्ट की है। तो क्या हो गया उस इंसल्ट से, कौन सी उसकी गैरत जाग गई? अच्छा खैर, ये सब बातें छोड़ो, बताया आगे क्या करना है। तो अब कर क्या सकते हैं? सोचा था कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन कराऊंगा। तो उसका कहीं सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन करा देंगे। अब यही करना पड़ेगा ना। मुझे अफशीन के अच्छे मार्क्स का सुनकर यूं लगा कि जैसे मैं पास हुई हूँ। मेरा दिल इतना खुश है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। औलाद की कामयाबी से माँ बाप का सर फख्र से बहुत बुलंद होता है। मेरी माँ ने भी मेरी पढ़ाई के बारे में बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे, मगर मैंने सारे चकनाचूर कर दिए। खुशी का मौका है, भूल जाओ पुरानी बातों को। खुदा का शुक्र है हमारी अफशीन हमें मायूस नहीं कर रही। तुम उस पर नजर भी तो उतनी रखती हो। बस यही फिक्र लगी रहती है कि उसका कोई कदम मेरी तरह फिसल ना जाए। बस अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे और उसको मोशने में इज्जत दिलाए। आमीन। अली अब उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे कराना है? मेडिकल कॉलेज का तो बहुत खर्चा होता है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि आबिद से बात करूं। क्या वो इतनी महंगी तालीम का खर्चा उठाएगा? मालूम, लेकिन बात करने में खर्च क्या? और अगर उसने इनकार कर दिया तो? ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो, वो हमारी अफशीन से बहुत प्यार करता है, हमारा भी बहुत ख्याल रखता है। मेरा नहीं ख्याल वो इनकार करेगा। अल्लाह करे वो हामी भर ले। उम्मीद तो पूरी है मुझे, अब आगे जो अल्लाह का मंजूर।
क्या पकाया जा रहा है? बड़े मजेदार खुशबू आ रही है। अभी तक तो मैंने पकाना शुरू भी नहीं किया, तुम्हें खुशबू कहाँ से आ गई? मतलब जो पकाने वाली हो उसकी खुशबू पहले ही आ गई मुझे। वैसे हो बहुत डीट, किसी बात पर शर्मिंदा नहीं होते। शर्मिंदा हो मेरे दुश्मन? तुम तो अपने कम नंबरों पर भी शर्मिंदा नहीं हो। पास तो हो गया हूँ, अब जरूरी थोड़ी कि अच्छे नंबर आए। ढीट लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। वैसे तुमने अच्छा नंबर लेके ना मुझे मुफ्त की मुसीबत में डाल दिया। वो क्यों? मम्मा पापा हर वक्त तुम्हारे ताने देते रहते मुझे। तुम्हें क्या, एक कान से सुना कर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। वैसे तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मम्मा पापा तो कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनाएंगे। इतने कम नंबरों के साथ? पापा के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन दिला देंगे। पता नहीं क्या शौक चढ़ा उनको। ये तो मुमकिन है। अफशीन, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, तुम भी डॉक्टर बनना। फिर साथ मिलके ना हॉस्पिटल खोलेंगे हम दोनों। दोनों क्यों? अच्छी कंपनी रहेगी, बातें भी करेंगे और लोगों का इलाज भी करेंगे। फिर तो वो हॉस्पिटल बहुत जल्द बंद हो जाएगा। जरूरी नहीं है, अगर हम मुफ्त इलाज करेंगे ना तो कभी बंद नहीं होगा। बस तुम मेरा साथ देना। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, मुझे खाना पकाने दो। भाई कैसी जा रही है जॉब? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक। अहमद के एडमिशन के बारे में क्या सोचा? किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा ही दूंगा उसका। इंशाल्लाह। माशाल्लाह अफशीन के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के दाखिले का खर्चा मेरे बस से तो बाहर ही है। मैं सोच रहा था कि अगर अफशीन के एडमिशन के मामले में तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो। तुमने इसे पढ़ाकर क्या करना है? बेटियां पराया धन होती हैं, कल को अपने घर चली जाएंगी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? मम्मी अफशीन ने दिन रात मेहनत की है डॉक्टर बनने के लिए, बहुत शौक है उसे, इसके नंबर भी इतने अच्छे आए हैं। मेरी बात मानो, अच्छा रिश्ता देखकर उसकी फौरन शादी कर दो, नहीं तो माँ की तरह वो भी कोई कुल खिलाएगी। मैं खुदा के लिए अब तो छोड़ दे ऐसी बातें। औरत के गुनाह तो कब्र में जाने के बाद भी लोग नहीं भूलते, और वैसे भी बेटियां माँ पर जाती हैं, ये बात याद रखना। अम्मी देखे, अहमद ने मुझे एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के फॉर्म ला के दिए। क्या फायदा? ये आप क्या कह रही हैं? अफशीन, हमारे हालात इस काबिल नहीं कि हम तुम्हारा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएं। नहीं अम्मी, अबू आबे चचा से बात करने के लिए गए, और मुझे पूरा यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपको याद नहीं है, जब मेरा रिजल्ट आया था तो आबे चचा ने मुझे पूरे 2000 रुपए दिए थे। वो बात और थी, मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराना कोई मामूली बात नहीं। अम्मी तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी? हालात तो यही कह रहे हैं। अम्मी, बचपन से आज तक मैंने एक ही ख्वाब देखा,
कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या हमारा दिल नहीं चाहता मैं तुम्हारे साथ ये बातें किस तरह कर रही हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकती। आप टेंशन ना लें, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। शुक्र है आपने भी कोई ढंग का फैसला लिया। उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना, आप कैसे उनका घर का खर्चा भी उठाएं और फिर उनके बच्चों की तालीम का भी। अली की यूनिवर्सिटी का मसला ना चल रहा होता ना तो मैं उनकी भी सपोर्ट कर देता। क्यों सपोर्ट करें, हमने उनका कोई ठेका लिया हुआ है, पहले जो कुछ करे वो काफी नहीं है क्या? मैंने उनको ना कर तो दी और क्या चाहती हूँ। देख लीजिएगा ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये जो आबरू है ना इससे तुम मात बर्दाश्त नहीं होगी, कोई ना कोई नया मोहरा तलाश कर लेगी। पुरानी बातें भूल जाओ फौजिया, आप सिर्फ हमारे बच्चों की फिक्र करें। उन्हीं के बारे में तो सोच रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ यार क्या बना? देखो तुम पैसों की फिक्र ना करो, बस एडमिशन कराओ उसका। ओके, अहमद का कॉलेज में एडमिशन हो गया। शुक्र, बहुत रिश्वत देने के बाद। जो भी है वो तो गया। मेरी बेटी को इसलिए सबसे ज्यादा गोल्डन स्टार्स मिलते हैं बिकॉज मेरी बेटी है इतनी लायक। पता है जब बड़ी होगी ना तो मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। मुझे तो डॉक्टर बहुत पसंद है। हाँ तो फिर ठीक है, बड़े होके हम डॉक्टर बनेंगे। अफशिन बेटा हौसला करो, बहुत सी बातें इंसान के बस में नहीं होती। इसे कैसे हौसला करो, हकीकत को आपसे बढ़कर अहम होती है और हमारी हकीकत तुम्हारे सामने है। अगर हम इस काबिल होते तो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आने देते। हमें अल्लाह ताला ने हमें अमीर क्यों नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने अबू को इतने पैसे क्यों नहीं दिए कि वो मुझे डॉक्टर बना सकते। ये सब कुदरत के फैसले हैं बेटा, किसी को क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना ये सब उसके हाथ में है। वो अपने इन फैसलों से अपने बंदों को आजमाता है, इसलिए खामोशी से हमें इन फैसलों पर राजी हो जाना चाहिए। तुम भी अपने आप को समझाने की कोशिश करो। तो क्या मेरे डॉक्टर ना बनने में ही बेहतरी है? शायद हाँ। क्या तुम पागल हो गई हो, इतने अच्छे नंबर लेकर भी मेडिकल में एडमिशन नहीं लोगी? मैं पागल नहीं समझदार हो गई। इतना नॉनसेंस डिसीजन लिया तुमने और कह रही हो समझदार हो गई हूँ। अगर मेरे वालदेन मुझे डॉक्टर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं उन्हें तंग क्यों करूं?
मुझे उनका एहसास करना चाहिए अहमद। मैं ताई अम्मी से खुद बात करूंगा, वो तो पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी तुम्हारा एडमिशन नहीं कराएंगी क्या? ये तो खुद बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वो भी हालात के हाथों बेबस है। अफशीन, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे नंबरों की वजह से तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप तो बाद की बात है, और मेडिकल कॉलेज में खर्चा कोई कम थोड़ी होता है। हाँ, मगर फिर भी इतने वक्त से चाचा जान मेरे सारी पढ़ाई के खर्चे उठा रहे हैं। मैं पापा से बोलूंगा, वो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे किसी मेडिकल कॉलेज में। नहीं अहमद, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है अफशीन। जब मुझे कोई टेंशन नहीं है तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम तो हो ही बेवकूफ, तुम्हें पता तुमने कितना बुरा डिसीजन लिया। मैं अपने फैसले पर मुतमईन हूँ। इधर मेरी तरफ देख के बात करो। अफशीन, मैं जानता हूँ कि किस बात पे तुम खुश हो, किससे नहीं। तुम आखिर मुझे समझाना क्या चाहते हो? पापा, आप जानते भी हैं कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि मुझे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनाना मेरा ख्वाब है। डॉक्टर बनना किसी और का भी ख्वाब है। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? पापा, अफशीन बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना उसकी शदीद ख्वाहिश है, लेकिन उसके माली हालात की वजह से। साफ साफ बोलो, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आप मेरा सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन कराने के बजाय अफशीन का करा दें। मैं बेहतर जानता हूँ मैंने क्या करना है, मुझे मत समझाओ। पापा, जब मुझे डॉक्टर बनने का शौक ही नहीं है तो आप क्यों बनाना चाह रहे हैं? मेरी जगह अफशीन को बना दें। तुम क्यों उसकी इतनी फेवर कर रहे हो? मम्मा, ये अफशीन के फ्यूचर का सवाल है। अगर इतनी अच्छी स्टूडेंट पैसों की वजह से डॉक्टर बनने से रह जाए तो इतने दुख की बात है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनते, इतनी कोई दुख की बात नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो, दूसरों की फिक्र छोड़ो। अब पापा, आप इतनी संदिग्धी से ये बात कैसे कर सकते हैं? आप तो हमेशा अफशीन की पढ़ाई की तारीफ करते हैं। ये अफशीन, अफशीन की रट छोड़ो आप, मैं काम से काम रखो। फिर आप भी मेरी बात याद रखें, अगर आपने अफशीन का किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया तो मैं भी कहीं पे एडमिशन नहीं लूंगा। नाश्ता। अरे अहमद, इतनी सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? इसे क्या हुआ? इसे क्या बाहर जैसे लग रहा है नाराज है। फजूल सी जिद कर रहा। कैसी जिद? कहता है मेरे बजाय अब शी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करा दो। मैं तुम्हें पहले ही समझा रही थी कि लड़का हाथ से निकल रहा है। ये दोनों माँ बेटियां बहुत चालाक हैं। अहमद को आगे लगाकर पीछे बैठ के तमाशा देख रही हैं। अहमद ने पहले अपने बाप से कभी इतनी बदतमीजी नहीं की। मेरा अली भी तो बहुत फर्मा बरदार हुआ करता था, जब ये उसकी जिंदगी में आई तो इसी तरह बदजबानी करना शुरू हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप भी बहुत परेशान है। दूसरों के घरों में आग लगाना इनके खून में शामिल है। तुम अब समझदारी से काम लो, अहमद को प्यार से समझा कर अपने हाथ में रखो। जवान खून है, कल को बिगड़ गया तो कुछ हो ही ना जाए। अबरू, अबरू नाश्ता जल्दी से ले आओ, मुझे देर हो रही है। ला रही हूँ, बस एक मिनट। बेबी आओ। आ गई।
ये अफशीन क्या कर रही है? उस बेचारी ने क्या करना है, बहुत मायूस हो गई है। क्यों? तुमने उसे समझाया नहीं? बहुत समझाया, मगर कुछ बातें इंसान जानबूझकर समझना ही नहीं चाहता। जब इंसान जज्बाती होकर सोचता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वैसे कुछ गलतियां हमारी भी है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अपने हालात के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन फिर भी हमने उसकी ख्वाहिश को सपोर्ट किया। माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन हकीकत कभी तो नहीं भूलना चाहिए ना। यह हम इस खुशफहमी में थे कि इस बार भी आबिद उसे सपोर्ट करेगा। अफशीन बेटा, इधर आ। देखो बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने हालात के साथ समझौता करने की कोशिश की है। देखो, मेडिकल के अलावा भी बहुत से फील्ड जाना, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि एमए करके लेक्चरर बन जाओ? लेक्चरर? हाँ हाँ, लेक्चरर लड़कियों के लिए यह भी बहुत अच्छी फील्ड है। वो आपको जहां सही लगे मेरा एडमिशन करवाते। जी, आपने मुझे बुलाया? पहले तुमने अपना जादू चला के मेरे अली को मुझसे दूर किया, अब तुम्हारी बेटी भी वही कर रही है। समझी नहीं? समझती तो तुम सब कुछ हो, वैसे ही ऊपर से मीसनी बनती है। आखिर क्या बात हुई है, आप क्यों इतना खफा हो रही हैं? तुम्हारी बेटी ने अहमद पर ऐसा जादू चलाया कि वो सब घर वालों से नाराज हो गया। अफशीन ने तो उसे कुछ नहीं कहा। यही तो सारी बात है, तुम लोग कुछ कहती भी नहीं हो, चुप करके लड़के भी पटा लेती हो, और ऐसे पटाती हो कि वो माँ बाप को भूल जाते हैं। मालूम नहीं अब किस बात को किसके साथ जोड़ रही हैं। अगर तुम्हें वाकई में समझ नहीं आ रही तो सुन लो, अहमद ने अपने माँ बाप से ये जिद लगा रखी है कि वो तब तक मेडिकल कॉलेज नहीं जाएगा जब तक अफशीन वहां पे दाखला नहीं लेगी। ये आप क्या कह रही हैं? आबिद ने तुम पर इतने एहसान किए, क्या कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने, और अब जबकि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तुम्हारी बेटी ने उसके बाप से झगड़ा ही करा दिया। नहीं नहीं, अफशीन ने तो उसे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो फिर वो क्यों अपने माँ बाप से नाराज है, क्यों खाना पीना छोड़ दिया उसने? अम्मी, मैं खुद अहमद को समझाने की कोशिश करूंगी। बड़ी है ही समझाने वाली, आग भी खुद लगाती है और बुझाने भी खुद ही आ जाती है। क्या चालाकी है। बेटा, खाने से नाराजगी क्यों? कुछ नहीं खाना मुझे। क्यों नहीं खाना? जब तक आप और पापा मेरी बात नहीं मानेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुमने खामखा की जिद लगा रखी है। मम्मा, ये जिद नहीं है, जायज बात है, और मैं आपको कौन सा गलत काम करने के लिए कह रहा हूं? तुम भी समझने की कोशिश करो,
तुम्हारे पापा हर महीने इन लोगों को माकूल रकम देते हैं, फिर घर का खर्चा, तुम्हारी और आयमा की तालीम, वो क्या क्या करें। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे बजाय अफशीन का दाखिला करा दे मेडिकल कॉलेज में। बात इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इसमें मुश्किल क्या है? माँ बाप पर पहला हक औलाद का होता है, फिर किसी और का। अगर आप समझे तो अफशीन भी आपकी औलाद की तरह है, क्या उसका आप लोगों पर कोई हक नहीं है? वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। भाई मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरी बात माननी होगी बस। कहाँ जा रहे हो? अभी वो अफशीन के बीए का एडमिशन कराने जा रहा हूँ। तुम्हें मैंने कहा है इसे घर में बिठाओ, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की, शादी करो इसकी। अभी, लेकिन अभी इसकी शादी की उम्र नहीं है, और वैसे भी इसे पढ़ने का बहुत शौक है। तुम माँ बेटी के शौक ही पूरे करते रहना। कैसी बातें कर रही है? कान खोल के मेरी बात सुन लो, ये आगे नहीं पढ़ेगी। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं आपकी हर बात नहीं मान सकता, ये मेरी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। चलो बेटा देर हो रही है, अच्छा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने तुम्हें मना भी किया था ना कि अफशीन को नहीं पढ़ाना, उसे घर में रखो और उसकी शादी करो, लेकिन अली फिर भी उसको लेकर जा रहा है, वो सब कुछ तुम्हारे कहने पर कर रहा है। आप हमेशा ही हमारे बारे में बदगुमान रही हैं। जो तुम्हारी करतूतें हैं ना, मैं तो क्या सारी दुनिया बदगुमान हो जाएगी। क्या आप मुझे मरते दम तक माफ नहीं करेंगी? जो तुमने मेरे साथ किया मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना, आपने खुद से ये सब कुछ सोच रखा, मैं क्या कह सकती हूँ। सुनो मेरी बात, मेरे घर में तुम लोग की मनमानियां नहीं चलेंगी, अगर अपनी मर्जी करनी है तो निकलो मेरे घर से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने उसे पढ़ाकर करना क्या है, उसने वही सब कुछ करना है जो तुमने किया था। हाँ, प्लीज प्लीज उसे ऐसी बद्दुआएं तो ना दें, वो भी आप ही की पोती है। बेटी माँ पर ही जाती है, ये जरूरी तो नहीं कि हर अच्छी माँ की बेटी अच्छी निकले और बुरी की बुरी। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है, मेरी अफशीन मुझ पर नहीं जाएगी। देख लेना तुम, तो तुमसे भी दो हाथ आगे निकलेगी। अल्लाह ना करे। ये मैंने क्या सुना, तुमने बीए में एडमिशन ले लिया? हाँ, तो उसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपनी ख्वाहिश अपने ख्वाब सब अधूरा छोड़ दोगी? मेरे हालात का तकाजा ही यही था। तुम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकती हो? लड़कियों को जिंदगी के हर कदम पे कॉम्प्रोमाइज तो करना होता है, वैसे भी मैं तो बचपन से यही करती आई हूँ। मैं मम्मा पापा से झगड़ रहा था तुम्हारे लिए, और मुझे पूरा यकीन था कि पापा तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, लेकिन तुमने बीए में एडमिशन लेकर ये सारी स्ट्रगल को बेकार कर दिया। नहीं चाहती कि तुम उनको मेरी वजह से मजबूर करो, और बेहतर यह है कि तुम इसे छोड़ दो, उनकी बात मान लो। अफशीन तुमने बहुत बुरा किया, मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत हर्ट हुआ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। क्या इस बात पर के डॉक्टर बनने के बजाय तुम सिंपल ग्रेजुएशन करोगी? इंसान को अपनी किस्मत और खुदा के फैसले पर मुतमईन रहना चाहिए। तुम इतनी कंटेंटेड कैसे हो सकती हो? हालात खुद ब खुद बना देते हैं, और अब तुम भी मेरी तरह मुतमईन होकर अपनी स्टडीज शुरू करो। मैंने कितना सोचा था कि हम दोनों डॉक्टर्स बनेंगे,
और जिंदगी में सिर्फ डॉक्टर बनना मकसद नहीं होता, कभी कभार बहुत अनपढ़ लोग भी जिंदगी में बहुत बड़े काम कर देते हैं। तुम्हारी सोच में इतना चेंज कैसे आ गया? हालात समझौता करने के बाद। सलाम तैयमा। वालेकुम अस्सलाम। तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अफशीन के पास आया था। क्यों? मैंने सुना कि उसने बीए में एडमिशन ले लिया, तो यही पूछने आया था। इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो तुम उससे पूछने गए थे? क्या आप भी इसको मामूली बात समझती हैं कि अफशीन अब मेडिकल छोड़ के सिंपल बीए करेगी? हम उसके माँ बाप हैं, उसके लिए जो बेहतर है वही किया है। लेकिन तैयमा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने तो पापा से बात भी कर ली थी उसके एडमिशन के लिए। तुम ऊपर ना आया करो, एडमिशन लो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। आपसे ये बात मम्मा ने कही है ना? उनसे बात करता हूँ जाके। नहीं, मैं खुद कह रही हूँ। लेकिन आज से पहले तो कभी आपने मना नहीं किया ऊपर आने से? पहले की बात और थी। तो अब क्या हो गया? मैं जानता हूँ आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। कोई वजह नहीं है बेटा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आप छुपाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ मम्मा ने कुछ कहा, उनसे बात करता हूँ। न जाने अब क्या होगा। मामा, आपने ताई मम्मी से कुछ कहा है? क्या? मेरे ऊपर जाने के बारे में? हाँ, ना जाया करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें और तुम्हारी दादी को तुम्हारे अफशीन से मिलना पसंद नहीं है। क्या मतलब? तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें मतलब समझना है, और ना ही वो अफशीन बच्ची है। मैं और अफशीन बचपन से ही साथ खेले और हमारी बचपन से ही दोस्ती रही है। बचपन की बात गुजर चुकी है और जवानी की दोस्ती को लोग मशकूक समझते हैं। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें परवाह है। आप सब लोगों ने ना जाने क्यों अफशीन और उसकी अम्मी के खिलाफ मास्क खोल रखा है। दादी हर वक्त तंज करती उन दोनों पर, आयमा अलग बदतमीजी करती है, और आप भी उनके साथ ऐसे ही सलूक करती हैं। जो जिस काबिल होता है उसके साथ वैसे ही बिहेव किया जाता है। लेकिन मैंने उनको तो आपके साथ कभी मिसबिहेव करते नहीं देखा। जब तुम हकीकत नहीं जानते तो बहस मत करो, और आइंदा तुम ऊपर नहीं जाओगे। जाऊंगा, अब तो जरूर जाऊंगा। तमीज और सिद्धि। ए आबरू।